हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी धनुषी और मेरे साथ हैं श्रद्धा, और आप हमारे साथ हैं बॉलीवुड स्टेशन के रिव्यू शो मूवी मूवी पर। आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है गैस्टन लैंडन। गैस्टन लैंडन हिंदी कॉमेडी फिल्म है जिसमें परेश रावल, तन्वी आजमी, कार्तिक आर्यन, कृतिक हरबंदा लीड रोल में है। इस फिल्म में संजय मिश्रा भी नजर आएंगे जो लंदन में एक पाकिस्तानी कॉप का किरदार निभा रहे हैं। चोरी से घुसता है, पाकिस्तानी है। आपको कैसे मालूम? हरकतों से पता चल गया। परेश रावल इस बार फिर अतिथि तुम कब जाओगे की तरह गेस्टन लंदन में भी एक अनइनवाइटेड गेस्ट बनकर कृति और कार्तिक के घर लंदन पहुंच जाते हैं। तन्वी आजमी जी इस मूवी में चाची का किरदार निभा रही है जिनका कैरेक्टर उनके पर्सनालिटी की तरह स्वीट एंड सिंपल है। कृति हरबंदा इस फिल्म में एक गुजराती लड़की का किरदार निभा रही है जो मतलब के लिए कार्तिक आर्यन से शादी करती है, और कार्तिक आर्यन इस फिल्म में लीड रोल में कृति हरबंदा के साथ नजर आ रहे हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग से हम सबका दिल जीत लिया है। मूवी के फर्स्ट हाफ की बात करें तो परेश रावल ने हमें काफी एंटरटेन किया है, यहाँ तक कि उन्होंने नेचुरल कॉल यानी फार्टिंग पे तो कव्वाली ही बना दी। मूवी के सेकेंड हाफ की बात करें तो स्टोरी काफी इमोशनल हो जाती है। द मूवी कंटेन्ड अ पर्टिकुलर स्टोरी विच इज द क्लाइमैक्स ऑफ द मूवी। इस मूवी में अजय देवगन का कैमियो भी है, पर वो क्या है उसके लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। म्यूजिक की बात करें तो इस फिल्म का म्यूजिक दिया है राघव संचर और अमित मिश्रा ने, जो इतना इम्पैक्टफुल नहीं है जितना कि उनके पिछले सॉन्ग जैसे चन्ना मेरे। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सुधीर के चौधरी ने इसे काफी अच्छी तरह से पेश किया है और फिल्म को कनेक्टेड रखा है। सो ओवरऑल गेस्ट इन लंदन इट्स अ नाइस मूवी विद द इम्पैक्टफुल मैसेज, बट द कॉमेडी इज नॉट अप टू मार्क एंड इट कुड हैव बीन बेटर। तो हम इस मूवी को देना चाहेंगे 2.5 स्टार। तो दोस्तों, आज मूवी मूवी में बस इतना ही। हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे नई मूवी के रिव्यूज। तब तक हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू। बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमसे, सब्सक्राइब करें, और सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें।